हमें महामारी के बारे में सबको बताना चाहिए, इसे कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक नेचुरल थिंग है। मेरे गांव में भी कुछ भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि अचार को ना छूना, किचन में ना जाना, नहाना नहीं, पूजा नहीं करना, पर ऐसा कुछ नहीं है। माय नेम इज आद्रिका फ्रॉम क्लास 11th। आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ वर्ल्ड ट्रैवलर। एडोलसेंस न्यूट्रिशन जो है, मैं उस प्रोग्राम को देखती हूँ और बच्चों को भी एडोलसेंस के बारे में बताती हूँ। हमारे पास जो जनन अंग है उसमें गर्भाशय है, पता है ना? तो लड़कियों को माहवारी से संबंधित सारी समस्याएं बताती हूँ क्योंकि हमें पता है वो अपने गार्जियन से खुल के बात नहीं कर पाते हैं और सारे टीचर से भी खुल के बात नहीं कर पाते। माहवारी संबंधी समस्याएं लिखकर यहाँ आप हमसे कहने में संकोच कर रहे हो, आपस में कहने से संकोच कर रहे हो, बिना नाम लिखे आप इस पे डाल दीजिए। तो जब हम उनसे खुल के बात करते तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मैम हमसे बात करी, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मुझसे आराम से पूछते हैं। हमारे स्कूल में MHM प्रोग्राम हुआ जिसके तहत हमें पता चला कि महावारी के वक्त हमें साफ कपड़े यूज करना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए, और हम सूती कपड़े भी यूज कर सकते हैं और पैड भी यूज कर सकते हैं। रेज योर हैंड आद्रिका। बेटा क्या होता है मैम एनीमिया? ब्लड सिक्रेट होता है हर मंथ, तो इस वजह से हमारे अंदर आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी से हमें एनीमिया डिजीज हो सकती है, इसलिए हमें आयरन की गोली लेनी चाहिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वो उनके अंदर की हिजक हटती है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं इसको घर पे बताती हूँ, मेरी मम्मी भी बड़ी खुश होती है कि चलो इतनी इन्फॉर्मेशन तुमको हो रही है कि तुम लोगों को समझा सकती हो। स्कूल जब जाने लगी, मैडम से भेंट की, इसके बाद बदलाव आया है। पहले बार तो शर्माती थी, कोई बात जल्दी नहीं बताती थी, लेकिन अब नहीं। जब स्कूल जाने लगी तब कोई बात नहीं, शर्माती नहीं है। कोई भी अगर कोई लड़का भी इसको कुछ कहे तो घर पे आके अपने पापा से कहती है। जब मैम ने मुझे बताया कि अपने गांव में जाकर इन सब चीज़ों के बारे में बताओ, तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया और मैं अपनी छोटी बहन को भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अपने सीनियर्स को भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अपने से बड़ी लोगों को और अपने से छोटे लोगों को भी। अगर हमारे पास अच्छी सेहत नहीं रहेगी तो हम एक वर्ल्ड ट्रैवलर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हमारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो हम क्या ट्रैवल करेंगे? हम बेड पे बैठ के तो ट्रैवल कर नहीं सकते।